हमने जिस लास्ट लेक्चर में डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की बात की थी, तो हम इसमें डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस की बात करेंगे। क्या कैन वी डिफाइन वेरियस डायरेक्शंस विद इन अ यूनिट सेल थ्रू मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट सेल है, तो इसमें ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है। दीज आर ऑल वेरियस डायरेक्शंस विद इन अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हम किस तरह कर सकते हैं कि डायरेक्शन डिफाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन को मिलियन डिसीज से डिफाइन करेंगे, ठीक है, और ये इनक्लोज होंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जिस तरह फैमिली ऑफ प्लेन्स होती है, इस तरह फैमिली ऑफ डायरेक्शंस भी होती है। फैमिली ऑफ डायरेक्शन जो हैं वो क्यूबलैन डायरेक्शन हैं, उनमें एटॉमिक डेंसिटी सेम होती है उन डायरेक्शन में। ठीक है, और फैमिली ऑफ डायरेक्शन को ये एंगल ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। इसमें फैमिली मेंबर्स फाइंड करने का वही प्रिंसिपल है या वही मेथड है जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के लिए। सो 100 फैमिली में 6 डायरेक्शंस होंगी, 110 फैमिली में 12 होंगी, 111 फैमिली में 8 होंगी। ठीक है, डायरेक्शंस भी 8 होंगी, प्लेन्स भी 8 होंगी, इसी तरह ही ना। ठीक है, सो हाउ कैन वी डिटरमिन द डायरेक्शन फ्रॉम द मिलर इंडिसेस। ठीक है, वही प्रिंसिपल जो प्लेन्स के लिए, सबसे पहले के ओरिजिन डिफाइन करें। ठीक है, ओरिजिन कैसे डिफाइन करना है, वही अप्रोप्रिएट ओरिजिन है, एज इन के अगर तो सारे इंडिसेस पॉजिटिव हैं तो यही ओरिजिन बनेगा, और कोई एक भी नेगेटिव है तो ओरिजिन को उस तरफ को शिफ्ट कर दें, खुद ब खुद सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब कन्वीनियंट लगे। सो क्या करना है इसमें कि डायरेक्शन किस तरह डिफाइन करनी है, अप्रोप्रिएट ओरिजिन चूज करें, पहला स्टेप ये है। ठीक है, अब जितने इंडिसेज हैं उन सबको डिवाइड कर दें बाय द लार्जेस्ट मिलर इंडेक्स। ठीक है, 100 में 1 से डिवाइड होगा, अगर 200 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 300 होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 321 है तो फिर भी 3 से ही होगा, 210 है तो फिर 2 से होगा। ठीक है, लार्जेस्ट इससे इंडेक्स से डिवाइड कर दें, उसके बाद फॉलो द एक्सिस लाइंस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। उसके बाद जो आंसर आए ना, जैसे 100 को 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आया सबका, 100। अब समझ लिया 100 जो है, ये एक मिनट से कर लेते हैं, 100 जो है इसको समझ लिया एक पॉइंट है, उसको हमने लोकेट करना, उसी तरफ डायरेक्शन बनानी है। तो 100 किस तरह होगा, 100 मीन्स 1 स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से 0 स्टेप अलोंग वाई एक्सिस, 0 अलोंग जी एक्सिस, तो यहीं पर आ गए, तो ये पॉइंट आ गया। तो एक डायरेक्शन ड्रा करने जिसमें टेल जो है ओरिजिन पे होगी और हेड जो है वो उस पॉइंट पे होगा जो भी हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज 100 डायरेक्शन। 110 किस तरह होगी, 110 है, इसमें लार्जेस्ट इंटीजर 1 है तो 1 से डिवाइड कर दें, यही रहा 110। ओरिजिन से स्टार्ट करें, 1 अलोंग एक्स एक्सिस, 1 अलोंग वाई एक्सिस स्टेप। ठीक है, यहां पे पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, तो टेल यहां पे है, हेड इधर है, ये जो डायरेक्शन होगी दैट इज 110। इससे 111 जो है, 1 स्टेप इधर, 1 स्टेप इधर, 1 स्टेप इधर, 111 हो गया। इसके क्या इंडिसेस होंगे सोचिए। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह के, हाउ टू डिटरमिन मिलर इंडिसेस फ्रॉम डायरेक्शन। क्या करना है कि डायरेक्शन के केस में ओरिजिन हमेशा इसकी टेल पे होगा, क्योंकि हम जैसे ड्रा कर रहे हैं तो ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ कर रहे हैं, सो ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन होगा। ठीक है, सो फाइंड द प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट लेंथ अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। मतलब अगर ये डायरेक्शन है या ये फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर लें, सही है, एक मिनट इसे ऐसा करते हैं कि ना रेज कर लेते हैं, लेट्स से एक डायरेक्शन है, मिलियन डिसीज है, ये गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, मिलियन डिसीज फाइंड करने हैं। तो इस डायरेक्शन की प्रोजेक्शंस फाइंड करें, जिस तरह किसी भी वेक्टर्स की प्रोजेक्शंस फाइंड करते हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस, लॉन्ग जी एक्सिस। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन क्या है कि ये इस यहाँ पे आ रही है इसकी प्रोजेक्शन, लॉन्ग वाई एक्सिस प्रोजेक्शन क्या है कि यहाँ पे जा रही है यहाँ तक, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन यहाँ पे, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन यहाँ पे, z एक्सिस पर कितने प्रोजेक्शन है, 0 है, ये यहीं पे है ना, इधर को नहीं है, इस एक्सिस के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन नहीं है, x पे और y पे।
जहां जहां तक है वहां वहां तक आप पॉइंट निशान लगा लें, ठीक है। अब जो वैल्यूज आए ये वन यूनिट लेंथ पे है, ये भी वन पे है, तो वन वन आ गई, इधर कितनी है जीरो है, ठीक है। अब इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। अब फ्रैक्शन है तो एलसीएम से करें, फ्रैक्शन कोई है ही नहीं तो बस सही है, वन वन जीरो है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिसे लिखा हुआ है कि इंटीजर्स बन जाएंगे, अगर फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर एस सच, तो इसे एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें। ये जो है ये इंडिसेस जो है ये इसके हैं इस डायरेक्शन के, ठीक है। इस तरह हम इसके लिए भी कर सकते हैं। अब इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करें, ये एक्स एक्सिस पे तकरीबन बनती है हाफ पे, जी एक्सिस पे कितनी बनती है, एक्स एक्सिस पे हाफ है, वाई एक्सिस पे कितनी है, इधर को तो है ही नहीं जीरो है, जी एक्सिस पे कितनी है हाफ है, सॉरी जेड एक्सिस पे कितनी है वन है, ये प्रोजेक्शन इधर को करें तो वन बनेगी, वन है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो सेल्सियम से मल्टीप्लाई करें, एज इनके टू से मल्टीप्लाई कर लें ताकि सब कुछ सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या बनेगा वन जीरो टू, टू से मल्टीप्लाई किए इन क्लोज कर दें, तो ये जो इंडिसेस हैं ये इस डायरेक्शन के हैं, ठीक है। कन्वर्सली यह है कि आप इसे ड्रॉ कर लें, ड्रॉ किस तरह करना है, वंस अगेन ओरिजिन यहाँ पे चूज करके इन सबको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है लार्जेस्ट इंटीजर से, तो क्या करेंगे इसको टू से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा वन बाय टू जीरो वन, क्या करें यहाँ से स्टार्ट करें, हाफ एक्स एक्सिस पे जाएं, जीरो वाई एक्सिस पे जाएं, वन जी एक्सिस पे जाएं, ये लाइन ड्रॉ कर दें, ये वही लाइन है जो पहले बनी हुई है, ठीक है। सो इस तरह जो है ये हम वेरियस जो है वो डायरेक्शंस को ड्रॉ भी कर सकते हैं, डिटरमिन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लीनियर डेंसिटी की, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, प्लेनियर डेंसिटी भी होती है, लीनियर डेंसिटी भी होती है, हम यहाँ पर जस्ट लीनियर डेंसिटी कर लेंगे फॉर आवर फॉर द सेक ऑफ ईज, ठीक है। अगर आप प्लेनियर डेंसिटी भी फाइंड करना चाहें तो वो भी फिर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, जिनके जिस तरह यूजुअली बल्क डेंसिटी जिसे हम कहते हैं उसमें होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम या कोई भी चीज़ का नंबर डिवाइड बाय यूनिट लेंथ जो भी है ना, लीनियर डेंसिटी क्या होगी ऑफ एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जिनके पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जिस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उस स्ट्रक्चर की डेंसिटी ज्यादा होगी, एटॉमिक डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें कम होंगे उसमें कम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर जो है वो एफ सी सी है। अब आप देखें इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एटम्स इन कॉन्टैक्ट हैं, अगर एटम्स इन कॉन्टैक्ट हैं इस डायरेक्शन में तो इसका मतलब मैक्सिमम डेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी जो भी वैल्यू है। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इन कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे एफ सी सी में नहीं होते तो इसकी डेंसिटी जो होगी हमेशा इस डायरेक्शन से कम होगी। अब डिफरेंट डायरेक्शन को किस तरह डिनोट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं इस इंडिसेस से। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, 100 है, जैसे हम देख लें ये डायरेक्शन 100 है, ठीक है। तो 100 फैमिली की जो डायरेक्शन है हमेशा फेस डायगोनल होंगी, 100 डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एज होंगी, 111 डायरेक्शन हमेशा बॉडी डायगोनल होंगी, ठीक है। तो यहां पे देखें ये भी फेस डायगोनल है डायरेक्शन, ये भी फेस डायगोनल होगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी फेस डायगोनल होगी, सबके इंडिसेस इसी तरह होंगे 100 010 101 जो भी इस तरह के होंगे, ठीक है। तो इन सबकी डेंसिटी एटॉमिक डेंसिटी आप देख सकते हैं कि सेम होगी, हम किसी एक की देख लेते हैं, लेट्स से ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे डिवाइड बाय टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 110 डायरेक्शन में एल्यूमिनियम की लीनियर डेंसिटी क्या होगी, एल्यूमिनियम के लिए 100 डायरेक्शन में, लेट्स से ये जो लेंथ है यूनिट लेंथ से लेटेस्ट पैरामीटर भी कहते हैं क्यूब की जो एज लेंथ है ये गिवन है, ये एल्यूमिनियम के लिए प्योर एल्यूमिनियम के लिए कांस्टेंट होता है, हर एक मटेरियल के लिए या हर एक कंपोजिशन के लिए स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक, और ये कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। लेट्स से ये वैल्यू गिवन है, अगर ये वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब है कि अगर ये लेंथ गिवन है और ये डायरेक्शन जो है वो 110 है तो ये डायरेक्शन ये इसे कह लें
तो ये लेंथ क्या होगी? हम पैथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, हमने पहले की भी है और आर के रिलेशन के दौरान, ठीक है। तो ये लेंथ जो बनती है टू स्क्वायर रूट ए बन जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में एटम्स कितने हैं कैलकुलेट करें, ये एक पॉइंट है। अब ये देखें कि एटम क्या है, वो स्फेयर है। स्फेयर थ्री डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल में स्फेयर किस तरह नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा, इसका मतलब एटम है सर्कल नजर आएगा। वन डायमेंशन में किस तरह नजर आएगा, या सर्कल जो है वन डायमेंशन में किस तरह नजर आएगा, जस्ट एक लाइन होगी, ठीक है। थ्री डी में स्फेयर है, टू डी में सर्कल है, तो वन डी में जस्ट एक लाइन है, डायमेंशन है ना। एक डायमेंशन अगर सिर्फ है तो एक ही लाइन में हम जा सकते हैं बस, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी में हम जब हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, उसमें स्फेयर का वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, जिससे हमने एपीएफ में लिया भी है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में। जब प्लेनर डेंसिटी है तो हम एटम को एज अ प्लेन असूम करते हैं, ठीक है, तो एज अ स्फेयर आ जाएगा, स्फेयर से एज अ सर्कल आ जाएगा। लीनियर डेंसिटी के केस में क्योंकि एक सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो एटम्स को हम समझ लें कि हम एक लाइन कंसिडर कर लें जो अलोंग द रेडियस है, अलोंग द डायमीटर, ठीक है। तो इस लाइन का जितना पोर्शन इसमें आएगा इस डायरेक्शन में, हम उतने एटम कंसिडर करेंगे। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, हम यहां से समझ लेते हैं। अगर यहां से यहां तक एक लाइन लगी हो तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, वन आर हो गया, ऐसे ही है। अगर एटम का यहां से यहां तक डिस्टेंस टू आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, हाफ है इसका, वन आर है, ठीक है। इसका मतलब यहां तक लेंथ में वन आर एटम आ गया। तो अगर फुल एटम जो है वो यहां से यहां तक वन बनता है तो ये कितना बनेगा, ये हाफ एटम बनेगा, ठीक है। सो हाफ एटम प्लस ये वन एटम प्लस यहां पे हाफ एटम, हाफ प्लस वन प्लस हाफ, कितना बन गया, टू एटम्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आंसर आ गया। तो ये लीनियर डेंसिटी है इस डायरेक्शन में। आप इसी तरह इस डायरेक्शन में भी डेंसिटी फाइंड कर लें, आपको नजर आ रहा है कि यहां पे एम्प्टी स्पेसेस हैं, यहां पे इस डायरेक्शन में डेंसिटी जो है वो कम होगी, इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी। वैल्यू कोई भी आ सकती है लेकिन वो हमेशा इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी, इस डायरेक्शन में कम होगी, ठीक है। इससे लीनियर डेंसिटी फाइंड करते हैं, इससे प्लेनर डेंसिटी फाइंड की जा सकती है, ठीक है। अब यही जो कंसेप्ट हैं डेंसिटी के, या आप कह सकते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के, ये यूज किए जा सकते हैं थ्योरेटिकल डेंसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। किस तरह कर सकते हैं, अब इसमें आप ये देखें कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबिक सेंटीमीटर का कोई पीस है तो क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर जो है रेशियो जो है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। यही डेंसिटी हम थ्योरेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेशन, अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एटम्स के बारे में पता हो, ठीक है। जिससे आयरन की डेंसिटी है, उसका एक तरीका तो फाइंड करने का ये है कि आयरन का कोई पीस लें, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, उसका वेट फाइंड कर लें, डिवाइड कर लें, तो डेंसिटी आ जाएगी। इसी तरह एक और तरीका यह है कि यूनिट सेल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसेप्ट अप्लाई करें और डेंसिटी फाइंड करें। इसमें क्या होगा कि मैस फाइंड कर लें एटम्स का इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूनिट सेल। तो बेसिकली क्या हो गया कि मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ गई। जिस तरह अगर ये अगर एक सिस्टम है एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड कर लें, यूनिट सेल में कितना वेट है एटम्स का वो फाइंड कर लें, उसकी रेशियो लेंगे तो मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, किस तरह फाइंड करेंगे, एक तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लें यूनिट सेल में कितने हैं, वो हर स्ट्रक्चर के डिफरेंट होते हैं जिस तरह हम फाइंड हमने किए हुए देखे हैं, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करना है मैस ऑफ एटम्स के साथ, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ वन एटम, ठीक है, यही करेंगे तो टोटल मैस आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा मैस इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मैस इन यूनिट सेल, इसे डिवाइड कर दो यूनिट सेल के वॉल्यूम से, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, जिसे हमने फाइंड भी किया है। मैस ऑफ एटम जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, मैस ऑफ एटम होता है एटॉमिक जो है वेट हो गया, एटॉमिक मास हो गया, डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, जो एटॉमिक मास जो है ये होता है नंबर ऑफ ग्राम्स पर मोल, एक मोल में कितने एटम है उससे डिवाइड कर दें तो पर एटम मास आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल जिस तरह देख लें, अगर क्रोमियम की हम बात करें तो इसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, या लेट्स से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो, एटॉमिक मास जो है वो गिवन है, इन जनरल मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। ये रेडियस भी अगर हमें पता है इसके एटम का क्या है, ठीक है, तो हम इसकी थ्योरेटिकल लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है कि अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो यूनिट सेल में कितने होंगे, दो होंगे, से मल्टीप्लाई कर दें ग्राम मोल जिसका वेट है, इसे डिवाइड कर देंगे जब एवोगाड्रो नंबर से तो पर एटम जो है वो वेट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें वेट पता चल गया। डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है ए क्यूब। अब हमें पता है अगर हमें लेट से ये क्यूब लेंथ गिवन हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट ए क्यूब निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर रेडियस भी एटम का गिवन है, लेट से ये हमें डिस्टेंस नहीं पता, एटम का ही पता है, तो एटम का रेडियस भी पता है, ठीक है, तो हमें पता है कि बीसीसी स्ट्रक्चर में ए और आर का क्या रिलेशन होता है, ये ए है, ये आर जो है इसमें वो ये रेडियस ऑफ स्फेयर है, और बीसीसी स्ट्रक्चर में ये बॉडी डायगोनल डायरेक्शन में एटम्स इन कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ए और आर का क्या रिलेशन बनेगा, जिस तरह किसी वेक्टर के लिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, ठीक है, ये क्या होगी, आर की टर्म्स में कितनी होगी, वन आर, ये पूरा एटम है तो टू आर, और यहाँ भी फिर वन आर, ठीक है, ए की टर्म्स में क्या होगी, ये लेंथ जो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्टैंडर्ड बॉडी डायगोनल फाइंड करने का ये क्यूब का जो फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वहीं से ये ए और आर का रिलेशन बन जाएगा, और उसे जब हम पुट करेंगे इसमें आर की वैल्यू और इसे सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिखा देंगे थ्योरेटिकल डेंसिटी 7.18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है जो अभी यहाँ से कैलकुलेट की है, एक्चुअल जो कह लें या जो प्रैक्टिकली फाइंड की हुई है वो 7.19 है, तो इट मीन्स के बोथ है वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इट मीन्स के हम थ्योरेटिकल डेंसिटी जो फाइंड करते हैं दैट वुड बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वन, सो हम इसे थ्योरेटिकल और एक्चुअल को हम सेम या सिमिलर कह सकते हैं। सो ये अगर हम थ्योरेटिकल डेंसिटी भी फाइंड करेंगे तो वो वही होगी जो प्रैक्टिकल है, सो हम जैसे प्रैक्टिकल डेंसिटी फाइंड करें हम थ्योरेटिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। अब यही आपकी असाइनमेंट 3 के BCCRN की जो फाइंड करनी है थ्योरेटिकल डेंसिटी, ठीक है, एटॉमिक मास भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, थ्योरेटिकल डेंसिटी फाइंड करें और इसे LMS पे अपलोड कर दें, ठीक है, थैंक यू।